हेलो स्टूडेंट्स, 11वीं क्लास में अपने फिजिक्स में सेकंड लेसन चल रहा था जिसके अंदर अपन लोगों ने यूनिट कर ली थी। ठीक है, यानी कि मात्रक किए थे। ठीक है कि मात्रक क्या होता है, इसके प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, ये सब अपने पढ़ चुके थे। आज अपने कुछ दूरियों से संबंधित मात्रक करेंगे। ठीक है, और दूरियों में कौन कौन सी दूरियाँ लेंगे, एक तो लघु लेंगे और एक वृहद दूरियाँ लेंगे। ठीक है, तो दूरियों से संबंधित मात्रक लेंगे या दूरियों का मापन लिख दोगे, दूरियों का मापन। ठीक है, अब दूरियों में कौन सी होती हैं, लघु दूरियां होती हैं और वृहद दूरियां होती हैं। तो सबसे पहले अपने लेके चलते हैं वृहद दूरी, सॉरी लघु दूरी, लघु दूरियां। ठीक है, लघु दूरियां इसमें क्या होता है, जैसे मान लो आपको 10^-2 मीटर तक की जो दूरियां हैं, एक ऑपरेटर है जिसकी सहायता से अपने मेजरमेंट करते हैं, वो है वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, और 10^-2 मीटर से कम की जो दूरियां, इनका मापन अपने करते हैं स्क्रू गेज से। ठीक है, तो इन दो ऑपरेटर्स का अपने उपयोग करते हैं। ये दोनों के दोनों ऑपरेटर्स अपने प्रैक्टिकल लैब में पड़े हुए हैं, तो आपको ये प्रैक्टिकल के साथ ही करवाएंगे। ठीक है, साथ में आपको पता चल जाएगा कि वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है और स्क्रू गेज क्या होता है, वरना यहाँ आपको डायग्राम वगैरह बनाना पड़ेगा जिसमें ज़्यादा टाइम स्पेंड होगा। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों ऑपरेटर्स आपको प्रैक्टिकल लैब में दूरियों का मापन करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये है लघु दूरियाँ। अब लघु दूरियों के कुछ मात्रक भी होते हैं, छोटे मात्रक होते हैं। वो क्या होते हैं, जैसे एक फर्मी होता है, एक फर्मी में 10^-15 मीटर होते हैं। इसको इस प्रकार से 1F = 10^-15 मीटर इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक होता है एक एंगस्ट्रम, इसमें 10^-10 मीटर होते हैं, या इसको इस प्रकार से एक एंगस्ट्रम 10^-10 मीटर इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक, ये लघु दूरियों के लिए मात्रकों का यूज़ करते हैं अपने, तो ये दोनों आपको ध्यान में रखने हैं लघु दूरियों के। ठीक है, इसके बाद आती है वृहद दूरियां। वृहद दूरियां देखो, वृहद दूरियां किनको कहते हैं अपने, जैसे आप पृथ्वी से जो स्टार हैं उनकी दूरियों का मेजरमेंट करते हो, जो मून है, चंद्रमा है, उनकी दूरियों का जो मेजरमेंट करते हो, सूर्य है उसकी दूरी का जो मेजरमेंट करते हो, वो है वृहद दूरियां। बहुत बड़ी दूरियां जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं, वृहद दूरियां कहलाती हैं। ठीक है, यानी कि खगोलीय रूप जो लेवल पर जो मेजरमेंट किया जाता है वो किसके अंदर आएंगे, वृहद दूरियों के अंदर आएंगे। ठीक है, अब वृहद दूरियों के अंदर मापन करने के लिए एक विधि अपने पास, लंबवन विधि, इसका यूज करते हैं आप। ठीक है, अब लंबवन विधि क्या होती है, मान लो आपके पास यहां बिंदु P पर कोई स्टार पड़ा, ठीक है, और यहां अर्थ पर कोई दो बिंदु ले लिए आपने। ठीक है, इसको यहां से मिलाया इस प्रकार से, ये डिस्टेंस एस, ये भी एस, और बीच में जो एंगल बन रहा है ये कितना है, थीटा, जो बहुत ही छोटा है। ये बिंदु ए और बी है, और यहाँ से एक छोटा सा आप चाप काट देते हो इस प्रकार से, बहुत ही छोटा एंगल होता है तो चाप बहुत ही छोटा सा होगा, लगभग शेड लाइन के रूप में हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने कुछ मेजरमेंट करते हैं, ये एंगल थीटा। देखो, आपने वृत्त के अंदर पढ़ा होगा ये सर्कल है, इसमें ये क्या होता है, सेंटर होता है। आपने 10th क्लास में इस प्रकार से त्रिज्याखंड बनाया होगा ये वाला, और बीच में ये एंगल कितना होता था, थीटा, और ये डिस्टेंस त्रिज्या आर, ये भी आर, सेंटर हो, और चाप की लंबाई कितनी होती थी, ये ए बी होती थी। ठीक है, ऐसा कुछ आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, तो वही मेथड अपने यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ बन रहा है ये त्रिज्याखंड के रूप में। ठीक है, यहाँ पर जो चाप की लंबाई का फॉर्मूला आता था वो क्या था, लंबाई त्रिज्या गुणा में
कॉड आर इंटू थीटा, एल बराबर क्या होता था आर थीटा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर क्या होगा, चाप की लंबाई अपने क्या मान लें एल, तो एल बराबर क्या होगा, तो रेडियस कितनी है एस, एस इंटू थीटा, ये फॉर्मूला लगा दो। अब यहाँ से अर्थ से जो डिस्टेंस एस आप कैसे निकालोगे, एस की वैल्यू यहाँ निकालो आप एल अपॉन में थीटा, ठीक है। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, मेजरमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये है लंबवान विधि। इसके बाद दूरियों का मापन करने के लिए वृद्ध मात्रकों का भी उपयोग किया जाता है, ठीक है। वृद्ध मात्रकों का उपयोग करते हैं अपन, ठीक है। जो मात्रक हैं वो कौन से हैं उनको देखें, वृद्ध मात्रक जो नंबर एक है खगोलीय मात्रक, या दूरी, ठीक है। इसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं अपन, ठीक है, ये यूसेड नोट कर देंगे, ठीक। अब खगोलीय मात्रक क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे पृथ्वी व सूर्य, पृथ्वी व सूर्य के केंद्रों के मध्य की औसत दूरी क्या कहलाती है, खगोलीय मात्रक कहलाती है, ठीक है। अब एक खगोलीय मात्रक यानी कि एक एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनिट होती है इसमें कितने मीटर होते हैं वो चेक करने आपको, तो वो अपने लिखते हैं 1.496 इंटू 10^11 मीटर, ठीक। इसको लगभग ये भी लिख देते हैं एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अप्रोक्सीमेट 1.5 इंटू 10^11 मीटर, ठीक है। ये होता है एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में मीटर, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी दूरी है 10^11 देखो, ठीक है। इसके बाद नंबर दूसरी जो यूनिट आती है वो कौन सी है, एक प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष, ये क्या होती है, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे अपने निर्वात में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, क्या कहलाती है, एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। निर्वात में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है, एक प्रकाश। इसको भी मीटर में कन्वर्ट करते हैं अपने, एक प्रकाश वर्ष में मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। वेग आप जानते हो एक सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करता है, 10^10^8 वर्ष है, तो एक वर्ष हो गया कितने दिन होते हैं एक वर्ष में, 365 दिन होते हैं। घंटे कितने होते हैं एक दिन में, 24 मिनट 60 और सेकंड 60, ठीक है। इस पूरे को आप कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा आपके पास, एक प्रकाश वर्ष ये आ जाएगा आपके पास 9.46 × 10^15 मीटर, कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। इसको आप ये भी लिख सकते हो प्रकाश वर्ष π² × 10^15 मीटर, ठीक है, पाई के रूम में भी आप इसको आप लिख सकते हो, वरना ये न्यूमेरिकल वैल्यू ये ध्यान रख लेना आप, ठीक है। पाई की वैल्यू कितनी होती है वैसे, 3.14। अब इसका स्केयर करोगे तो कुछ ये वैल्यू आएगी आपके पास, इसलिए इसको क्या लिख दिया, π² × 10^15, ठीक है। तो ये होता है एक प्रकाश वर्ष। इसके बाद दूरी का जो सबसे बड़ा मात्रक है वो देखते हैं, दूरी का सबसे बड़ा मात्र क्या होता है, पारसेक होता है, क्या होता है, पारसेक होता है। अब एक पारसेक क्या होता है, एक पारसेक क्या होता है, यदि मान लो
कोई चाप आप काटते हो, इस चाप की लंबाई एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। एक चाप काटा आपने, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। और ये जो चाप है इस बिंदु P के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, एक रेडियन का कोण बना रहा है। कितने का, एक रेडियन का कोण बना रहा है। और तब ये जो डिस्टेंस होगी, ये वाली डिस्टेंस, ये क्या कहलाएगी, एक पारसेक कहलाएगी। क्या कहलाएगी, एक पारसेक कहलाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से एक पारसेक को डिफाइन करते हैं। यदि किसी चाप की लंबाई एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है जो किसी बिंदु के साथ एक रेडियन का कोण मेजर करती है, तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो क्या कहलाएगी, एक पारसेक कहलाएगी। अब एक पारसेक के अंदर कितने मीटर होते हैं वो देखते हैं। तो एक पारसेक के अंदर अपन लिखते हैं 3.08 × 10^16 मीटर, ये होती है एक पारसेक। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके पास लघु और वृत्त दूरियों का मापन करते हैं आपने। ठीक है, ये देखो आपकी जनरल सी जानकारी, आगे आपको बहुत कम यूज़ करोगे आप इसको। ठीक है, देखो पहले आपके पास जो पहला दूसरा तीसरा लेसन जो है ये फिजिक्स में जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में, ठीक है ना, पहला हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, ये फिजिक्स की जनरल इन्फॉर्मेशन बताता आप। ठीक है, जो रियल में यूनिट स्टार्ट होगी वो फोर्थ यूनिट से स्टार्ट होगी, यूनिट नंबर फोर्थ से स्टार्ट होगी। ये अभी तक जनरल इन्फॉर्मेशन चल रही है कि आप फिजिक्स के में जो पढ़ते हो, फिजिक्स क्या होती है, फर्स्ट यूनिट में पढ़ा अपने, ठीक है ना, वो किन किन सिद्धांतों पे वर्क करती है। ठीक है, फिजिक्स की क्या क्या ब्रांच होती है, ये सब कुछ पढ़ा अपने। ठीक है, अब दूसरी यूनिट में अपने भौतिक राशियाँ जो पढ़ते हैं उनके मात्रकों के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, उनके मात्रकों के बारे में पढ़ रहे हैं, इनमें जो एरर आती है उसके बारे में पढ़ेंगे अपने। ठीक है, और सिग्निफिकेंट नंबर होते हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि ये एक जनरल सी इन्फॉर्मेशन चल रही है। जो रियल यूनिट स्टार्ट होगी वो चार नंबर यूनिट से आकर के स्टार्ट होगी। ठीक है, इसलिए आपको थोड़ा सा ये बोरिंग लग रहा हो, लेकिन रियल जो यूनिट स्टार्ट करेंगे चार नंबर यूनिट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसलिए ये यूनिट भी ज़रूरी है, तभी आप लोग आगे मात्रक वगैरह देख पाओगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।